तो गाइस यार बहुत ही दिन हो चुके हैं और हमने अपनी सारी की सारी छुट्टियां मना ली है। और आपको तो याद होगा कि पिछली बार यार हमें यार शिनचैन की सीक्रेट केव मिल चुकी थी, मतलब यार शिनचैन घर छोड़ के जा रहा था उस सीक्रेट केव में, पर मुझे भी वो सीक्रेट केव के बारे में पता चल गया। और यहाँ पे हमने यार बहुत सारे गोल्ड खर्च कर दिए, मतलब बहुत सारी वेकेशन पे गए थे, बाहर घूमने गए थे, दिवाली मने यार बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि आज हम खरीदने वाले बहुत ही खतरनाक वाला घर। तो पहले फटाफट से अपन यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। और यहाँ से आपको पता ही है हमारी एंट्रेंस सीक्रेट केव की, और यहाँ पे मैंने बहुत सारा गोल्ड निकाल के रखा है अपने घर के लिए, क्योंकि आज अपन को अपने घर की पेमेंट करनी है। उससे पहले मैं थोड़ी देर सोने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। जल्दी से पुलिस वालों को बताना चाहिए यहाँ पे कितना सारा गोल्ड है। हेलो पुलिस, जल्दी से फ्रैंकलिन के घर पे आ जाओ, मैं तुमको एड्रेस देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है और वो सीक्रेट जगह से निकला और वो कोई घर खरीदने की बात कर रहा है, फटाफट से आ जाओ। अरे क्या गैर कानूनी सोना, मैं आ रहा हूँ, आज तुम उनको पकड़ के रहेंगे, फिर मेरा प्रमोशन भी होगा। ठीक है हमें एड्रेस भेजो, हम अभी के अभी आते हैं। ए फ्रैंकलिन बाहर निकल। अरे यार कौन है यार, सोने भी नहीं देते, कौन चिल्ला रहा है? अरे बाहर निकल। अरे आ रहा हूँ यार, कौन चिल्ला रहा है भाई, सोने भी नहीं देते शांति से, कौन है यार, कौन परेशान करने आ गया है? पुलिस, ए पुलिस, पुलिस कैसे आ गई? ए मैं भी डर कर रहा हूँ। अरे हाँ कोई बात नहीं, चलो बिल्कुल शांति से करेंगे। हेलो अंकल, कैसे हो पुलिस वालों? ए तुम्हारे घर में गैर कानूनी सोना है? सोना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पागल हो क्या? अरे पक्की खबर है, हमें चेक करने दो। अरे नहीं, ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, हमारे पास वारंट है। ऑफिसर घुसो अंदर। अरे रुको मेरी बात तो सुनो, देखो ऊपर चिड़िया उड़ती है, नीचे पक्षी चलता है। छोड़ दो प्लीज यार, मैंने कुछ नहीं किया यार, कोई सोना वोना नहीं है। अरे तुम साइड होते हो कि गोली मारूं? अरे नहीं, गोली मत मारना, लो साइड हो जाता हूँ। ऑफिसर जल्दी जाकर चेक करो। ओके बॉस। ओहो, इतना सारा सोना, इन्होंने तो सोना सजा रखा है। रुको, इनकी सीक्रेट जगह भी चेक करनी पड़ेगी। अच्छे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चल हमारे साथ। अरे अब कौन है? अरे देखता नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, यहाँ पे गैर कानूनी इतना सारा सोना, चलो तुमको तो हम जेल में डालेंगे। अरे मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। अरे चल ऊपर चल। ये क्या चल रहे? अभी शिनचैन भाई पता नहीं क्यों पकड़ रहे। अरे वो सोना हमारा ही है, हमने यार मेहनत से करा है। एनी फेक ये मैंने। अरे हाँ तूने यार, मतलब। अरे चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना मारेंगे। एनी बैठ रहे। अरे हाँ बैठ गए। अरे गाइस यार ये तो हमें पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं। अरे अंकल छोड़ दो यार, 200 रुपए ले लो। अरे पुलिस वाले को रिश्वत देता है, इसको तो 20 साल के लिए जेल में डालूंगा। अरे नहीं, इतना बड़ा चोर पकड़ा गया, चुपचाप सीधा अंदर जा, कहीं पे भी भागने की जरूरत मत करना। अरे अंदर तो आ गया, अब क्या करूं? अरे रुको मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। अबे चुप, कोई लॉयर वॉयर नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी चोरी करी हो, लॉयर चाहिए, चुपचाप जेल में बैठ। अरे ऐसे तो ना होता शिनचैन, ये क्या हो गया? ऐ फिक मुझे क्या पता है, अबे साले इतना सारा सोना तू नहीं बचा के रखा था ना, अब क्या करें? ऐ फिक मुझे क्या पता क्या कहेगी। अबे यार अब क्या करेंगे, कि मैं को जेल में नहीं रहना रहा, अंकल निकाल देना। अरे चुप रहो, अंदर चल चुपचाप, हमने बात कर ली पुलिस वालों से, अब तुम्हें सीधा फांसी लटकाई जाएगी, तुम्हें हम मार देंगे, तुमने बहुत बड़ी चोरी करी है। आओ ये पुलिस वालों ने तो शिनचैन और फ्रैंकलिन को पकड़ के लगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे पर मैं करूंगा भी क्या, अरे हाँ टोनी स्टार्क के पास चलता हूँ। अरे टोनी स्टार्क जल्दी चलते हैं। अरे टोनी स्टार्क मेरी बात सुनो। अरे तुम तो यार फ्रैंकलिन के कुत्ते हो ना। अरे ये कुत्ता बोल कैसे रहा है? ओ मैं फ्रैंकलिन का कुत्ता नहीं हूँ, फ्रैंकलिन मेरा कुत्ता है, मेरी बात तो सुनो। फ्रैंकलिन और शिनचैन को पुलिस वाले पकड़ कर चले गए, उन्होंने यार सोना बचा के रखा था और उन्होंने लगा कि चोरी कर रही है, तो पुलिस वाले उनको पकड़ के ले गए, जल्दी से उनकी मदद कर दो। अरे मैं फ्रैंकलिन की क्यों मदद करूँ, वो तो मेरे को जब देखो जब हरा पैसा गेंडा बोलता रहता है। आओ ऐसा मत करो, प्लीज मदद कर दो। अरे तुम टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अभी फ्रैंकलिन और शिनचैन को यूं मतलब एक सेकंड में छुड़ा के लेके आ जाऊंगा, चारवे सूट पे ना। अरे अभी के भी चाहता हूँ उसको लेके आता हूँ यार, अभी तुम जानते नहीं हो मैं न्यू टोनी स्टार्क, किसी को भी बचा सकता हूँ और जेल में से निकालना तो बहुत ही इजी चीज है। अभी जाके पुलिस वाले से बात करूंगा और यूँ छोड़ देंगे उन्हें, चलो चलते हैं। अरे अभी मैं पुलिस स्टेशन पर तो आ गया। अरे फ्रैंकलिन और शिनचैन को किसने पकड़ा है, फटाफट से बता दो। अरे मैंने पकड़ा है, क्या हो गया? अरे अभी वो दोनों कहाँ पे? अरे उनको अभी हमने जेल में डाल रखा है और शाम को आज हम उनको फांसी लटकाने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे फांसी लटकाओगे, आयरन मैन उनके साथ है। अरे फ्रैंकलिन भाई क्या हाल है? और आयरन मैन, अरे तू मुझे बचाना क्या? अरे थैंक यू, मुझे जल्दी से बचा ले। अरे मेरी बात सुनो, जल्दी से इसको छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे क्या कर लेगा तू? अरे तुम क्या मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? अरे नहीं हम तो नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते, फ्रैंकलिन ये तो मुझे नहीं जानते, चलो ठीक है भाई मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे आयरन मैन कहाँ जा रहा है, अबे कहाँ जा रहा है पागल? अगर ये पुलिस वाले मेरे को जानते होते तो मैं इनको आराम से छुड़ा लेता, पर ये तो मुझे जानते ही नहीं है, चलो यार घर चलते हैं।
अरे यार मैंने तो ट्राई किया पर मैं चढ़ा नहीं पाया चॉप, अब हमें और कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। और कौन सा तरीका है? अच्छा रुको, शिनचैन भी है ना उनके साथ। वैसे अगर फ्रैंकलिन होता तो मैं मदद नहीं करता, पर उसके साथ शिनचैन भी है और वो मेरा दोस्त है, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं शिनचैन, मैं तुझे बचा के रहूंगा। पुलिस वाले ऐसे तो नहीं मानेंगे। ए पुलिस वालों, तुमने शिनचैन को किससे पूछ के पकड़ा? ये लो, जल्दी शिनचैन को छोड़ो वरना पूरा पुलिस स्टेशन तबाह कर दूंगा। लगता है मुझे अंदर जाना पड़ेगा। कौन है यहाँ पे? सब के सब मर गए। शिनचैन, शिनचैन मैं आ गया तुमको बचाने। अरे हल्क भैया, ए हट, तूने शिनचैन को कैसे पकड़ा? अरे हल्क मुझे बचाने आ गया। अरे फ्रैंकलिन, तुझे नहीं बचाने आया हूँ, मैं शिनचैन को बचाने आया हूँ। अरे हाँ जो भी है, तुमने उनको बचा लिया। अरे चलो चलो बाहर चले। अरे थैंक यू हल्क यार, तूने मेरी मदद करी। अरे बोला ना, मैंने तेरी मदद नहीं करी, मैंने शिनचैन की मदद करी है। अरे हाँ जो भी है, चल शिनचैन बाहर निकले। अरे चलो चलो फैंकी भैया, ऐसे बाहर निकलते हैं। तू कह जरा अभी हल्क ने हमें बचा लिया, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अरे मुझे भी चलना है गाड़ी में। अरे पर गाड़ी में तू कैसे बैठेगा? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तू गाइस यार, अब यार हल्क, मैं और शिनचैन जा रहे सीधा आयरन मैन के घर पे। इसी गाड़ी में फटाफट से चलते, आखिरकार हमें जेल से निकल के भागो ऐसे यार। अबे चोप, तू यहाँ पे कैसे आया? आओ फ्रैंकलिन, ये सब मैंने तो इनको बताया था, तभी तो तुम्हें वो बचा पाए। अरे थैंक यू आयरन मैन, बहुत बहुत शुक्रिया। और हल्क यार बहुत बहुत शुक्रिया, आज से देखो ग्रीन भैंसा मोटा बोलना बंद। और ये मुझे कपड़े भी मिल चुके, जार्विस ने मुझे कपड़े पहना दिए। अरे फ्रैंकी मेरी बात सुनो, जिस जने ने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करी थी वो मुझे मिल गया। जाओ तुम्हारे लिए सरप्राइज है गैराज में। है सरप्राइज है? अरे यार ये क्या, अबे तो वही जना है, इसको तो टोनी स्टार्क ने अभी जला दिया, मतलब ये तो जल रहा है। अरे भाई साहब मजा आ गया शिनचैन। अरे फिकी बहुत ही मजा आ गया, इसने हमारी कंप्लेंट करी, अब इसको जला देंगे अपन। और हाँ भाई बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अरे फिकी अपन को नया घर लेना था ना। और हाँ वो तो मैं भूल ही गया, चल चल फटाफट से ऊपर चलते। तो गाइस यार अभी हम यार चारों पांचों जने जाने वाले हैं हमारे नए नए घर पर। उससे पहले मुझे अपने घर पे जाके उसकी पेमेंट लेनी है। पहले मुझे देखना है कि कोई पुलिस वाले मेरा गोल्ड वोल्ड तो नहीं उठा के लेके। चलो फटाफट से चलते, अपना आयरन मैन अपने साथ है, हल्क अपने साथ है, शिनचैन अपने साथ है, और चॉप भी अपने साथ है। फटाफट चलते। तो गाइस यार जो कि मैंने गोल्ड निकाला था अपने घर के लिए वो यहाँ पे सारा का सारा पड़ा है। और भाई बहुत ही मजा आने वाला है आपको, मैं नया नया घर दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अपन देख लेते हैं अपने यार केव के क्या हाल है। और यहाँ पे भी सारा का सारा गोल्ड पड़ा है, मतलब पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। हम यार बच चुके, हमारा सारा सारा गोल्ड भी बच चुका है। और अभी हम जा रहे हैं अपने नए नए घर पे, और इन चारों को मैं दिखाऊंगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर है। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। तो गाइस यार अब यार सारे के सारे जने और पहुंच चुके, और मैं आपको पूरे एंट्री से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो भाई क्या ही तगड़ी वाली अपनी एंट्री है। यहाँ से अपन को जाना है, बहुत ही खतरनाक से पुल बना रखा है ऊपर से, और ये रात को बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला चमकता भी, इसमें साइड साइड लाइट है। और अभी हम आ चुके अपने नए नए घर पर, और यहाँ से बहुत ही तगड़े व्यू भी आते हैं, और सामने अपने नया नया कुत्ता भी घूम रहे हैं। और आप देख सकते हो शिनचैन, आयरन मैन और हल्क यार पहले से यहाँ पे आ चुके हैं, इन्होंने पूरा का पूरा घर देख लिया। आप देख सकते हो ये अपनी पूरी पूरी एंट्री, जहाँ से अपनी एंट्री होती है, पीछे अपना गैराज है, और यहाँ पे अपना स्विमिंग पूल, और यहाँ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओशन का व्यू आता है, मतलब पहाड़ों पे ये है, और यहाँ पे ओशन का बहुत ही खतरनाक व्यू आता है। सामने बीच भी है, और ये अपना स्विमिंग पूल तो यहाँ पे है ही। और आपको अंदर दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये अपना यार पहला बेडरूम, ये बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये अपना किचन, ये अपना लिविंग रूम। अब आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकंड फ्लोर पे। ये हमारे सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो भाई कितने सारे पैसे से घिरा रखे। यहाँ पे एक और बेडरूम, मतलब एक बेडरूम नहीं, मतलब सात सात जने एक ही बेड पर सो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बालकनी का व्यू बना रखा है, सामने अपना ओशन का व्यू आता ही है। और यहाँ पे अपना पर्सनल प्राइवेट जिम, बास्केटबॉल कोर्ट भी बना रखा है घर के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो भाई सबसे स्पेशल जगह है जकूजी, यहाँ मतलब गरम गरम पानी आता है, ठंड में नहाऊंगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और यार देख सकते हो ऐसा घर अपना कुछ दिखता है, अपन आज से इसी घर में रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला ये घर है। और गाइस ये था हमारा घर, आपको यार कैसा लगा फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो। और हमें यार पुलिस वालों ने यार अभी तो छोड़ दिया, पर आगे कुछ दिक्कत हो सकती है, तो मेरे को यार कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब थोड़े ज्यादा पैसे जमा करके रखने पड़ेंगे ताकि मैं पुलिस वालों को दे सकूं और वो मुझे छोड़ दे। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।